हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ है मॉर्निंग का समय और आज है संडे, और संडे वाले दिन अभी हम थोड़ी देर हुई है सो के ही उठे हैं, और हमने एक चाय हमने ले ली है, जो बैटरी होती है वो हमने ले ली है। उसके बाद भी सबके सब ही सुस्ता रहे हैं, किसी का भी उठने का दिल नहीं कर रहा है बेड से। और ये देखिए मेरे हस्बैंड है, मैं उन्हें कहती हेलो बोल दो, तो उन्होंने हेलो बोला आप सभी को। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं एक चाय और बना के लाओ, मैं तभी उठूँगा। और मैं सबको कहती हूँ उठो उठो, अगर आप लेटे रहना सभी तो मुझे भी ऐसी आलस आता रहेगा। तो ये कह रहे हैं एक चाय और बनाओ फिर मैं उठूँगा। तो बस मैं एक चाय इनके लिए और बना के लाऊँगी और फिर ये सब उठेंगे। तो गाइस देखिए, मैं चाय बना के ले आई हूँ सबके लिए, क्योंकि सुबह की चाय तो बस ऐसी होती है, दोबारा चाय पी रहे हैं फिर से, और उसके बाद ये सब उठ जाएंगे। और मुझे अभी धोने हैं ढेर सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े धोने हैं मुझे, और मार्केट भी जाना है, तो बस जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। आज संडे है तो आज सोचा था कि थोड़े बहुत काम जो है आज निपटा लूँगी, जो हस्बैंड के साथ जो काम होते हैं बाहर के, क्योंकि मैं मार्केट अकेले जाती नहीं हूँ, इन्हीं को लेके जाती हूँ। तो सोची थी आज संडे है तो जल्दी काम करके फ्री होके मार्केट जाऊँगी। तो बस गाइस, अभी हम चाय पी रहे हैं, इसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी घर का। और आज मुझे अपने बेटे को साइकिल भी दिलानी है, और वो साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मम्मी साइकिल दिलाओ साइकिल दिलाओ, तो मैं उसको साइकिल दिला दूँगी। फिलहाल मैं पी रही हूँ चाय, और आप भी लीजिए गाइस चाय, और आप लोग बताना कि आप लोग कैसे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और यहाँ सॉन्ग चल रहा था तो मैं वही गा रही थी, और हम वहाँ टीवी भी देख रहे थे गाइस, उसमें जो शंकर जी ने गणेश जी का जो नाक काटा था वो वाला सीन हम देख रहे थे। और यहाँ देखिए मैंने मशीन लगा रखी है, और यहाँ पर देखिए ढेर सारा कपड़े हैं जो संडे को मैं धो रही हूँ। वैसे मैं संडे को नहीं धोती हूँ, क्योंकि संडे छुट्टी वाला दिन होता है, वो गुस्सा करते हैं कि छुट्टी होती है और तू कपड़े लेके बैठ जाती है इतने सारे, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने पर धो लिए कल, क्योंकि सैटरडे हम किसी मैरिज में गए थे इसलिए हमें टाइम नहीं लगा, इसलिए मैंने संडे को धोए हैं। और उसके बाद मैंने वहाँ कपड़े धुल रहे हैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि सिंपल ही खाना था, मैंने बताया था हम मैरिज में गए थे तो काफ़ी हैवी हो गया था खाना, इसलिए दाल चावल ही बना रही हूँ मैं। और दाल चावल खाएंगे, अरहर की दाल चावल, ये देखिए अरहर की दाल है जो कि बहुत अच्छी लगती है, और ये चावल भी बन गए हैं, तो दाल चावल मेरे बन के तैयार हैं, अब हम खाएँगे। हेलो गाइज, तो गाइज आज है संडे, और अभी काम वाम सारा हो गया है, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं। तो जैसे मैं लेटी थी अभी काम करके, तो मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ गया है, मम्मी मुझे साइकिल दिलाओ साइकिल दिलाओ साइकिल दिलाओ, जिद कर रहा है बहुत ज़्यादा कि मम्मी साइकिल दिलाओ, प्लीज़ दिला दो ना साइकिल मम्मी, कराओ बड़ा मन करता साइकिल चलाने का। अपने पापा के साथ पसंद भी कराया सामने, जब मैं कपड़े धो रही थी ना तो चला गया, और पसंद करके आ गया जब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि दिल। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे को साइकिल दिलाने के लिए, तो बस हम निकल लेते हैं। मैंने सूट भी चेंज कर लिया है, क्योंकि वो वैसे ही पहन रखा था मैंने, तो चलते हैं। टीवी बंद कर देती हूँ, रिमोट कहाँ है? चले पर देख, चले तो देखो गाइस, इसको दिलाने जा रही हूँ, जब साइकिल दिलाने थी तो वो कितना प्यार कर रहा है मेरे को, इतनी प्यारी मम्मी, मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है गाइस, मेरी साइकिल आएगी, इतना खुश हो रहा है, सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को, खुशी हो रही है बहुत बहुत। देखो बहुत, कितने हम भी छोटे थे ना, हमको भी बड़ी चीज खुशी होती थी हर एक चीज। तो चलो पहले दिला देते हैं। मास्क ले लिया तूने? मास्क लो बेटा, बहुत जरूरी हो गया मास्क, तो कोविड तो दोबारा से ही फैल रहा है दिल्ली में, तो इसलिए मास्क बहुत जरूरी हो गया है, तो इसलिए मास्क पहने थे। लाइटें टूटे पता है मैंने बंद कर रखी है, देखो लाइट चला गया तो अब रोशनी हुई है, मैंने लाइट बंद कर दी थी क्योंकि हम जा रहे थे ना इसलिए, और अब रोशनी हो गई है। तो चलिए गाइस हम निकलते हैं, और आपको मिलती हूँ मैं साइकिल की दुकान पे, तो आज देती हूँ अपने बेटे के लिए साइकिल, चलिए चलते हैं, बंद कर देते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम मार्केट के लिए निकल गए हैं, और यहाँ पर ये देखिए मार्केट में कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि संडे था ना, संडे को बहुत ज़्यादा मार्केट में रश होता है। और ये वीडियो ये देखिए, मैंने वहाँ की थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, ये हमारी यहाँ की मार्केट है, और बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत
मतलब अच्छा लगता है यहाँ पर आके। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ साइकिल की दुकान पे, आगे करो, पीछे नहीं, और दुकान पे आते सारी मेरी बेटी ने कब्जा कर लिया साइकिल पे कि मम्मी मुझे भी लेनी है, जबकि हमने दिलानी थी अपने बेटे को ही, और वैसे बेटे को ही दिलाएंगे, उसको अभी नहीं दिलानी है क्योंकि वो भी छोटी है, उसको इतनी जिद नहीं कर रही थी, मेरा बेटा ज़्यादा जिद कर रहा था। तो देखिए भैया हमें समझा रहे हैं कि ये साइकिल लो वो लो, क्योंकि मुझे साइकिल की इतनी नॉलेज नहीं है, क्या मतलब क्या क्या होता है साइकिल में, मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आता। वो बता रहे थे कुछ शोकर वगैरह ये वो और भी बहुत चीज़ें बोल रहे थे ना, मुझे तो मैंने कुछ समझ नहीं आया, तो आप ही लोग समझो साइकिल के बारे में। तो वो लोग समझ रहे थे कोई गियर वगैरह शोकर वगैरह क्या क्या होते हैं, तो वो वाली वो ले रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड बैठ के देख रहे थे कि भाई मैं भी चला सकता हूँ, वो कहते हाँ आप भी चला सकते हो। तो बस यहाँ देखिए मेरी बेटी जिद कर रही है अपने लिए, तो यहाँ देखिए वो ये चला रही है और कह रही मम्मी मैं ये लूँगी, मैं कह ठीक है मैं आपको ये ले दूँगी, बाद में ले दूँगी अभी तो नहीं। और यहाँ देखिए मेरे बेटे ने फाइनली सेलेक्ट कर ली है, ये वाली साइकिल उसने ली है, ये वाली पसंद करी है। और यहाँ मैं बैठ के देख रही थी कि मैं भी चला सकती हूँ कि नहीं, मेरे पैर नीचे तक जा रहे हैं कि नहीं, वो कहते हैं हाँ जा रहे हैं। ये देखिए गाइस बताना मैं कैसी लग रही साइकिल में, हो सकेगा तो हम भी चलाएंगे पार्क में है ना, तो वैसे तो मेरा बेटा चलाने नहीं देगा। ये देखिए बहुत खुश हो रहा है मेरा बेटा और साइकिल लिया, बताना गाइस आपको ये साइकिल वाला ब्लॉग कैसे लगा, और फाइनली ले ही लिया हमने अपने बेटे के लिए साइकिल। बेचारा रो रहा था बहुत ज़्यादा कि मम्मी ये लो वो लो, मुझे प्लीज़ साइकिल ले दो। तो ये देखिए हमने उसके लिए साइकिल ले लिया है, और आज संडे था, और इधर इतनी सारी साइकिल थी, इतनी अच्छी वैरायटी थी ना साइकिल की, तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी साइकिल लें कौन सी नहीं लें, और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी साइकिल थी। फ़िलहाल हमने ये वाली ले ली है, और बस अब पता है इसको हम मंदिर में भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढते हैं, तो हम इसको मंदिर में लेके जाएंगे। जबकि इसके पापा कहते हैं तनु मंदिर में अच्छा नहीं लगता, लोग कहेंगे ये साइकिल की भी पूजा करा रहे हैं, मतलब मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, हाँ मेरा मतलब सही रहता है यार, पूजा पूजा कराने से कोई दुर्घटना वगैरह नहीं होती है, हमारा बच्चा चलाएगा और अच्छा भी रहता है। कुछ भी हम घर में कुछ भी लेके आएँ, या कंप्यूटर लेके आएँ, या कुछ भी साइकिल लेके आएँ, हम कुछ भी लेके आएँ, तो मैं क्या थोड़ा पूजा करनी चाहिए, तो वही हम करा रहे हैं। मुझे ये वाली गाड़ी दिला। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये छोटी सी साइकिल होती है ना तीन पहिए वाली, कह रहे हैं ये आप ले लो, और इसके आगे टोकरी भी है, तुम सब्जी सब्जी ले आना, मजाक कर रहे थे वो मेरे साथ, कहते ये वाली साइकिल ले लो और इसमें सब्जी सब्जी रख के ले आना तुम, है ना। हाँ ठीक है, मैंने कहा ये वाली साइकिल मेरे को बचपन में थी, ये वाली है जो मैं नीचे हाथ लगा दी थी, अभी साइकिल का बहुत शौक था मुझे बचपन में, बहुत ज़्यादा शौक था। बड़े हो गए तो खैर हम खुद मम्मी बन गए, तो अपने बच्चों के शौक पूरे कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको यही बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि आप भी साइकिल ले लो अपने लिए, सब्जी सब्जी ले आया करो, मेरा वेट मत करा करो, मेरे बेटे को पसंद करने में इतना टाइम लग रहा है, क्या करें, पसंद कर रहे हैं हम खड़े हैं। गाइस देख रहे हो आप कितनी सारी साइकिल है यहाँ पर, कितनी सारी साइकिल है, और जल्दी से साइकिल हम यहाँ से लेके मेरे को जाना है मंदिर में। और पहले मेरा बेटा देखो ट्राई कर रहा है कि मैं चला पाऊँगा कि नहीं, और मेरा बेटा अच्छे से साइकिल चला रहा था, और पूरे वो रोड से ना पूरा घर पे खुद ही लेके गया था, तो मेरे बेटे ने चला ली थी साइकिल। और यहाँ देखिए गाइस हम मंदिर में आ गए हैं साइकिल को लेके, और मैंने स्पीड मोड में शुरू से स्पीड मोड में वीडियो रखी है ताकि वीडियो लंबी ना हो। और ये देखिए हमने जल वगैरह चढ़ाया पंडित जी ने, अब स्वास्तिक बनाएंगे, उसके बाद माला चढ़ाएंगे, और फिर हम दक्षिणा देंगे पंडित जी को, तो ये भी अच्छा होता है ना, करना चाहिए। तो पंडित जी कह रहे यहाँ पर मैं कहाँ पर बनाऊँ स्वास्तिक, बन के पंडित जी इधर बना दो, पंडित जी भी शर्मा रहे थे कि ये भी मतलब साइकिल पर भी कर रहे हैं, तो क्या हो गया साइकिल पर, तो क्या हो गया, अच्छा अच्छी बात है ना, भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। तो इसलिए हम पहले मंदिर में लेके आए हैं, मंदिर में माथा टिकाया है हमने, और फिर हमने घर पे लेके गए हैं। सबसे पहले मंदिर में ये हमारी आंटी बैठी है, पड़ोस वाली आंटी हैं, मेरे घर के साथ में रहती हैं, तो ये भी कहती हाँ हाँ लगा दो। करंट क्यों आया पता नहीं, हाई करंट आया अपने तेज, नहीं मैंने लगा लिया, करंट आया अपने तेज, करंट वैसे आया तो पता नहीं, बड़ी करंट आया है, क्या करा भैया आपने, मैंने क्या करा, मैं तो टीका दे रहा था। सच्ची में मुझे करंट लगा, पता नहीं लगा, मेरी उंगली में झटका लगा, इन्होंने मुझे टीका दिया ना तो उसमें करंट लगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए माला वगैरह चढ़ा रहे हैं पंडित जी, और बस बच्चों को मैं अंदर मंदिर में माथा टिकाऊंगी। और गाइज अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा है। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। और यहाँ देखिए मंदिर है हमारी, ये हमारी गली में जो मंदिर है ना हमारे घर के पास, मैं उधर ही आई हूँ,
और हम इस मंदिर में ही आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो ये घर के पास ही है और ये देखिए गाइस बच्चे अंदर जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए। मैं कह माता रानी का आशीर्वाद ले लो। तो ठीक है गाइस मैं रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और अपना बहुत सारा ध्यान रखना। मैं ही रात को वीडियो एडिट कर रही हूँ इसलिए मेरे मुँह से गुड नाइट निकल गया। बाय बाय, जय माता दी।